लेक्चर 18 ऑफ डिफरेंशिएशन, बीच में एक एक्सरसाइज हमने छोड़ी थी 5.9, ये केवल आईएससी में है, आईएससी ब्रैकेट में लिख दे रहा, नॉट इन सीबीएसई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देना है तो पढ़ना है, क्लियर? इस एक्सरसाइज से आईएससी में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट आप छोड़िए नहीं, बिकॉज डिफरेंशिएशन में आती है। इसमें आपको तीन फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, जो यहां है वही यहां आ जाए, वैल्यू 1 होती है। सवाल हमेशा e में आएगा, सवाल हमेशा e पे होगा, e में होगा, ध्यान रखना। सेकेंड फॉर्मूला, लिमिट x, इसके एग्जांपल बता देते हैं, समझो, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2x, ऐसे दिया होगा, डायरेक्ट बना सवाल नहीं देगा, क्लियर? तो क्या करना, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0 एलसीएम लो, e की पावर x इनटू e की पावर x स्क्वायर ना लिख देना, e की पावर 2x माइनस 1, ये वाला e की पावर x नीचे, यहां पे 2x, ये पूरा 1 हो गया, देख रहा हो, सेम हो गया, खत्म करो इसको, लिमिट लगाओ e की पावर 0 1 1 अपॉन 1, आंसर 1, क्लियर? अब आइए फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की जगह पे a दे देगा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तुम लोगों ने कंटिन्यूटी में ये फॉर्मूला लगाया, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बेस की लॉग a होता है, बच्चा जल्दबाजी में 1 लिखाता है, 1 ना लिखना, यहां a क्या है, a कोई पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि लॉग के साथ a आ रहा है। एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x, अगले स्टेप में गए, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 की पावर 2x माइनस 1, तो यहां मल्टीप्लाई किया, तो यहां मल्टीप्लाई कर, ये क्या हो गया, log a, a नंबर, मतलब log 4 बेस e डॉट 2, 2 आगे लिखना, 2 log 4, log 8 ना कर देना, 2 आगे लिख देना, log 4, ये आंसर है। एक बार फिर से समझो, लॉग के साथ ये वाला नंबर लेते हैं, ये ध्यान रखना, बच्चा कहता है गुरुजी हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, नंबर पे x होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, e पे होगा तो 1 होगा, क्लियर? थर्ड फॉर्मूला देख, बस तीन ही फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे 5.9 में। थर्ड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x, ये भी 1 होता है, जो यहां लिखा है वही यहां लिखा होना चाहिए। एग्जांपल दे, एग्जांपल 1, दो एग्जांपल कराने पड़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus 5x upon sin x, ऐसे देगा तुम्हें, थोड़ा रंगबाजी सवाल देता है, कोई टेंशन नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus 5x, ऐसे रहे तो नीचे sin x है, upon x करो, into x करो, ये पहले बार हो गया, बता दो, limit x tends to 0 log 1 plus 5x upon x बचा ही आना, 5 से यहां multiply करो, 5 से यहां multiply करो, ये 1 हो गया, 1 into 5, answer 5, clear? अब ध्यान रखना, तीनों ही formula में note लिख लो, in all the three formulas, in all the three formulas, limit will be 0, याद रखना, equals limit will be 0, लग कर लेना बार हार, क्योंकि कभी कभी 0 देता नहीं, अगला example देखो, ये सब जो note हम लिखवाते हैं, copy में note कर लिया करो, या laptop में ले लिया करो, तब note किया करो, सवाल देखो, बुक का ही क्वेश्चन है, कह रहा है इवैल्यूएट
1 अपॉन log x। अब इसमें लिमिट 1 दी हुई है, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो लिमिट हम लोग को क्या बनानी है, 0। एक ही सवाल है किताब में, यही आ भी सकता है कभी आएगा तो। 0 कैसे बनाते हैं, पुट इसको इससे माइनस करो। बच्चा कहता सर हमें ट्रिक पता है 0 बनाने की, भूल जाओ x माइनस 1 इक्वल टू x डायरेक्ट, यही लगाओ बस, इसको इससे माइनस करो x। व्हेन x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0। सवाल पे जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह रख दो 1 + h माइनस 1, log x की जगह रख दो 1 + h, ये 1 कट गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन log 1 + h अपॉन h करो इनटू h करो, ये फार्मूला बन गया, हल हो गया, ये h h कट गया, वैल्यू 1 आ गई। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, एक्सरसाइज का ही है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर, पहले का पहले ही पार्ट है 5.9 का। अब समझो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, स्क्वायर ओपन कर लो, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहां एक नोट लिख रहा है, जब भी लिमिट इंफिनिटी भी हो तथा क्वेश्चन एलजेब्रा में हो तो हमेशा एलजेब्रा में होगा, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म कंपलसरी होगी, ध्यान रखो तब ये ब्रेक लगेगी। फिर से सुनो, जब भी लिमिट, इसको नोट में लिख लेना साइड में इस सवाल के लिए, जब भी लिमिट इंफिनिटी दी हो तथा क्वेश्चन एलजेब्रा में हो, और क्वेश्चन में न्यूमरेटर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, डिनोमिनेटर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा 101%, देखो यहां ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो हमेशा क्या करना है, सुनो, पहला स्टार सिलेक्ट द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पास सिलेक्ट करो। सेकंड स्टार उसी से डिवाइड करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट हाईएस्ट पावर, ऐसे इनफाइनाइट लिमिट एलजेब्रा की हैंडल होती है बाय दैट हाईएस्ट पावर। ये वाला प्रोसीजर एक बार पूरा फिर से समझा दे रहे हैं फेस दिखा के, जब भी लिमिट इंफिनिटी दी हो, देखो लिमिट इंफिनिटी दी है तथा क्वेश्चन एलजेब्रा में हो, क्वेश्चन एलजेब्रा में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है, तब क्या करना है, सिलेक्ट द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, सिलेक्ट द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फिर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट हाईएस्ट पावर। सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों किया गया, कि x की हाईएस्ट पावर दोगे कितनी है 2, तो यहां लिखोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, वी हैव लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में 1 है, डिवाइड करोगे 1 बाय x स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे 1, 9 बाय x स्क्वायर माइनस 6 बाय x, हर टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड किया है, अब लिमिट लगा दो, यहां आ गया इंफिनिटी, क्यों कर रहा है ऐसा समझ गया, हो गया x को डिनोमिनेटर में ला रहा है और लिमिट लगा देगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 होता है, देखो ऊपर 0 आ गया, यहां 1 बचा, ये 0 ये 0, 0 अपॉन 1 आंसर 1। क्लियर? इस एक्सरसाइज में 6-7 क्वेश्चन हैं, आपको इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, हम सॉल्यूशन भेजेंगे पूरी एक्सरसाइज का, आप खाली कांसेप्ट याद रखना जो हमने आज पढ़ाया है, तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मुलों में लिमिट 0 होनी चाहिए, पहली चीज, लिमिट 0 नहीं दी है तो 0 बनानी है। क्लियर? आज मैट्रिक्स का लेक्चर 2 भी आ रहा है, उसको भी कॉपी करना है, मैट्रिक्स का भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा सिखा देंगे, एक तो चीजें हैं जो सिखा देंगे, बाकी मैट्रिक्स आपको अपने आप से करनी है, कल के वीडियो में मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देंगे एक्सरसाइज में। क्लियर? क्लास इज ओवर।